नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी जम्मू कश्मीर में राहुल की हुंकार की, हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की विरोध की, देखेंगे मणिपुर पर घिरी बीजेपी सरकार को, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को, जानेंगे नितिन गडकरी के बड़े दावे को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान के किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आतिशी ने बतौर सीएम संभाला दिल्ली का कार्यभार, दिल्ली वासियों को किया संबोधित, कहा 4 महीने बाद केजरीवाल फिर संभालेंगे दिल्ली की कमान। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा किसान आंदोलन के समय मुझे देना चाहिए था इस्तीफा, इस्तीफा न देने को बताया बड़ी भूल। खट्टर के ऑफर पर कुमारी सैलजा का बयान, बोली मेरी रगों में कांग्रेस का खून, हरियाणा में किया कांग्रेस की जीत का दावा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 384 अंकों की बढ़त के साथ 84,928 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 148 अंकों की बढ़त के साथ 25,939 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में तेजी आ गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल ने स्टेटहुड के मुद्दे को उठाया और क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनावी दौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। राहुल ने दावा किया कि हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, हमने ये नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं, ये पूरे देश में भाई को भाई से लड़ाते हैं। इन्होंने यही काम जम्मू कश्मीर में किया, लेकिन इनका ये प्रोजेक्ट अब फेल होगा। हम यहाँ सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है, ये केवल देश के 2-3 अरबपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। इसके आगे राहुल ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कांग्रेस की गारंटी पर बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी लंबे लंबे भाषण देते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। काम की बातें हैं बेरोजगारी हटाओ, महंगाई कम करो, युवाओं को विजन दो, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दो। राहुल ने कहा कि ये वो काम की बातें हैं जो नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, वो सिर्फ मन की बात करते हैं जिसे कोई नहीं सुनना चाहता। इसके आगे राहुल ने दोहराया कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का हक है, ये हम उसे दिला कर रहेंगे। राहुल ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं हरियाणा से भी बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों और नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की नाराजगी के चलते पार्टी उम्मीदवार प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती ही जा रही है, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उम्मीदवार और नेता जहां भी प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा के अम्बाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बाद किसानों ने बीजेपी के नारायणगढ़ से उम्मीदवार पवन सैनी को घेर लिया। सैनी काफिले के साथ वोट मांगने फतेहगढ़ जा रहे थे। किसानों ने चारों तरफ से ट्रैक्टर लगाकर उन्हें घेर लिया। करीब 1.5 घंटे तक वो किसानों के बीच फंसे रहे, तो वही किसान उन्हें ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का डर दिखाते रहे। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर पवन सैनी को वहां से निकाला। बीजेपी उम्मीदवारों का गांवों में किसानों की तरफ से भारी विरोध किया जा रहा है। इससे पहले अंबाला कैंट के बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का गांव गरनाला में किसानों ने विरोध किया, उन्हें सभा को जैसे तैसे खत्म कर लौटना पड़ा। ये मामला अभी शांत हुआ भी नहीं था कि किसानों ने नारायणगढ़ से बीजेपी कैंडिडेट पवन सैनी के काफिले को घेर लिया, जिससे ये साफ हो गया है कि इस बार हरियाणा के किसान बीजेपी से खफा हैं, जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरफ जहां किसानों ने बीजेपी नेताओं पर सवालों की बौछार कर दी है, तो वहीं सवाल मणिपुर को लेकर भी उठ रहे हैं। मणिपुर में जारी संकट के बीच कांग्रेस सांसद ने केंद्र के रवैये पर तीखे सवाल उठाए हैं, जिसे केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है। तो क्या सवाल किए कांग्रेस नेता ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर एक साल से ज्यादा वक्त से हिंसा की चपेट में है। कुकी और मैतेई समुदाय की लड़ाई में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है और हजारों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद ए बिमल अकोई जाम ने केंद्र सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में होती तो उसे ऐसे नहीं छोड़ा जाता। उन्होंने राज्य को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे भेदभाव पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद ने मणिपुर की स्थिति से निपटने की केंद्र सरकार के तरीके की निंदा की
और कहा कि भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्य को अफगानिस्तान क्यों बनने दे रही है। उन्होंने अफगानिस्तान को बनाना रिपब्लिक करार दिया, जिसका मतलब है कमजोर सरकार वाला ऐसा देश जो किसी एक ही वस्तु के निर्यात से मिलने वाले धन पर निर्भर होता है। अकोई जाम ने कहा कि जब मणिपुर में 60,000 सैनिक मौजूद हैं, तो केंद्र सरकार को संकट को लंबे वक्त तक खींचने से रोकना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के विधायक अलग प्रशासन के मुद्दे पर दो अलग अलग बातें बोल रही हैं। पीएम मोदी को अपने विधायकों और मंत्रियों को बुलाकर कहना चाहिए था कि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अकोई जाम ने मौजूदा संकट के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के साथ ही भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने राज्य की खराब होती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की, जिसके बाद से केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब तक केंद्र ने मणिपुर के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। आखिर पीएम मोदी अब तक मणिपुर दौरे पर क्यों नहीं गए। मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार घिरती नजर आ रही है, तो अमेरिका से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि चर्चा का विषय बन गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चर्चा क्वाड बैठक के बाद के कार्यक्रम की हो रही है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी का नाम ही भूल गए। जी हां, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे नाम याद ना आने पर बाइडेन को अपने अफसर से पूछना पड़ा कि आगे किसे बुलाया जाना है। इसके बाद वहां मौजूद एक अफसर पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हैं। इस पर मोदी कुर्सी से उठ जाते हैं। अपने इस दौरे पर पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की, उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि हम जिस समाज में रहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा योगदान करते हैं। यहां अमेरिका में आपने डॉक्टर, शोधकर्ताओं, टेक पेशेवर, वैज्ञानिक या दूसरे पेशेवर के रूप में जो परचम लहराया है वो इसी का प्रतीक है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत की प्राथमिकता दुनिया में दबाव बढ़ाने की नहीं, बल्कि अपने प्रभाव को बढ़ाने की है। हम विश्व में दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व में सहयोग देना चाहते हैं। दुनिया को बर्बाद करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना है। भारत अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। प्रवासी भारतीयों के बाद पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी ओली, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। पीएम ने गाजा की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और फिलिस्तीन के लोगों को भारत के निरंतर समर्थन की बात कही। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल नितिन गडकरी के बयान को लेकर भी उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर गडकरी ने बड़ा बयान दिया है, जिसने बीजेपी हाईकमान को हैरान कर दिया है। तो क्या कुछ कहा गडकरी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए सरकार गिरने वाली है, इस बार ये दावा विपक्ष ने नहीं बल्कि खुद केंद्र सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। अब गडकरी के बयान से सियासत गर्मा गई है। दरअसल नागपुर के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा चौथी बार सरकार बनाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब गडकरी के इस बयान ने तहलका मचा दिया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सहयोगी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास आठवले अगली सरकार में मंत्री जरूर बनेंगे। यानी गडकरी ने दावा कर दिया कि एनडीए की सरकार बने या ना बने, आठवले मंत्री जरूर बनेंगे। अब गडकरी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि एनडीए सरकार गिरने वाली है, सहयोगी दलों की इंडिया गठबंधन से डील हो गई है, कभी भी वो एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया का हाथ थाम सकते हैं। गडकरी जब ये बात बोल रहे थे तब आठवले भी मंच पर मौजूद थे, क्योंकि कार्यक्रम आठवले को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। गडकरी ने उन्हें बाबा साहेब अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया और इस दौरान आठवले ने अपने भाषण में कहा कि उन्हें अब तक 3 बार केंद्र में मंत्री पद मिला है और सरकार आने पर वो 4थी बार भी मंत्री बनेंगे। इस पर गडकरी ने जवाब दिया कि सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन आठवले मंत्री जरूर बनेंगे। अब गडकरी के बयान के बाद से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर गडकरी ने ये बयान क्यों दिया। गडकरी के बयान ने बीजेपी हाईकमान की नींद उड़ा दी है, तो नींद नीतीश कुमार की भी उड़ गई है। बिहार में एक के बाद एक पुल हादसों ने एनडीए सरकार को सवालों के कटघरे में ला दिया है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट धराशायी हो गया है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में एक और पुल धराशायी हो गया है। इस बार यह हादसा बख्तियारपुर ताजपुर 6 लेन के निर्माणाधीन गंगा महासेतु के संपर्क पथ पर हुआ है। इस पुल की आधारशिला खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2011 में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में रखी थी। 45 किलोमीटर लंबे संपर्क पथ एवं 5.5 किलोमीटर लंबे इस नदी पुल के निर्माण में कुल 1603 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। हालांकि इसका निर्माण 2016 में ही पूरा होना था, लेकिन 13 साल बाद 60% काम ही पूरा हो पाया है। इसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी किया जा चुका है और ये राशि राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी आवंटित की गई है। ऐसे में पहले सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस पुल को बनाने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा।
और दूसरा सवाल ये कि पुल आखिर गिर कैसे गया, जबकि अभी तो काम भी पूरा नहीं हुआ था। अब इस घटना के बाद नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और तेज हो गए हैं। यही नहीं, आरोपों और सवालों की कड़ी यही नहीं रुकती, क्योंकि जिस तरह से इस घटना के सबूत मिटाने की कोशिश की गई, उसे लेकर भी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार घिर गई है। दरअसल ये घटना 22 सितंबर को देर रात घटी, जिसके बाद पुल का निर्माण कर रही नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया और वो रात में ही लाइट जलाकर जेसीबी से मलबे को मिट्टी के अंदर दबाकर सबूत मिटाने में जुट गए। लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसका तो वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर जोसेफ का बयान सामने आया है कि उस स्लैब में गड़बड़ी आ गई थी, जिस वजह से उसे गिराया गया है, वो खुद नहीं गिरा है। लेकिन पुलों के गिरने के सिलसिलों को देखते हुए जानकार कह रहे हैं कि कंपनी सिर्फ लीपापोती कर रही है और अब कंपनी के बयान में सच्चाई है क्या, सिर्फ बचने की कोशिश, इसे लेकर कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार के लिए हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, तो श्रीलंका में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। राजपक्षे परिवार का श्रीलंका की राजनीति से सफाया हो गया है, देखिए ये रिपोर्ट। श्रीलंका में दूसरे राउंड की वोटिंग के बाद अनुराधा नायके देश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। दिशा नायके लेफ्ट विचारधारा के पहले श्रीलंकाई राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका में ये पहली बार है जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे दूसरी बार गिनती में साफ हुए, क्योंकि पहले दौर की गिनती में किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिले थे। पहले राउंड की गिनती में अनुराधा नायके को 42.31% वोट मिले थे, जबकि साजिद प्रेमदासा 32.76% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में टॉप टू उम्मीदवारों के बीच दूसरे राउंड की वोटिंग की काउंटिंग करवाई गई, जिसमें नेशनल पीपल्स पावर के अनुरा कुमारा दिशा नायके और समाजी जन बालावेगिया के सजित प्रेमदासा के बीच मुकाबला हुआ और जीत अनुरा दिशा नायके को मिली। वैसे अनुरा के राष्ट्रपति बनने से हिंदुस्तान में भी चिंता देखी जा रही है, क्योंकि अनुरा को चाइना समर्थक माना जाता है। जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी अभियान चलाकर सत्ता पर काबिज हुए थे, कुछ उसी तरह अनुरा ने भी चुनाव कैंपेन चलाया था। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो भारत के साथ चल रहे कई प्रोजेक्ट्स को बंद करवा देंगे। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी मौजूदा वक्त में पाकिस्तान समर्थक सरकार बनी है। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन का करीबी है और अब भारत के एक और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी मार्क्सवादी सरकार बन गई है। ऐसे में आने वाले समय में हिंदुस्तान को श्रीलंका की तरफ से चुनौती मिल सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। सुशासन बाबू के बिहार राज्य में फिर से बाढ़ आ चुकी है और सड़कों पर रिक्शों की जगह पर नाव दिखाई दे रही हैं। बिहार में बाढ़ का रुके जाना बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से छोटे छेदों से होकर बिहार की रग रग में बसे हुए भ्रष्टाचार को बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।